हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहले हम लोग ये समझते हैं पोएट्री का मतलब क्या होता है। पोएट्री का मतलब होता है कविता। तो हम लोग यहाँ आप सोचते होंगे कविता क्यों पढ़ना है, तो कविता इसलिए पढ़ना होगा हम लोग को, इसका समरी यहाँ पढ़ेंगे। समरी आपको एग्ज़ाम में लिखने आता है 5 मार्क्स का। आज हम लोग ये समरी पढ़ेंगे, तो ये समरी को आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ फाइल में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही समरी देखने के लिए, पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डोनी के द्वारा लिखा गया है। पहले हम लोग पहला पैराग्राफ देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोनी फॉर हिज वाइफ एनी मोरे। तो इसका मतलब हुआ, पहले हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर को समझ रहे हैं, तो इसका हम लोग का चैप्टर का नाम का हम लोग को मतलब समझना जरूरी है, समझना चाहिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का मतलब होता है सबसे प्यारी मोहम्मत जो मुझे नहीं भाती है। मतलब सबसे प्यारी जो मोहम्मत थी वो भाती नहीं है। किसको नहीं भाती है? जॉन डोनी को, जो राइटर है। तो पहला लाइन हम लोग समझते हैं। तो पहला लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोनी फॉर हिज वाइफ एनी मोरे। तो इसका मतलब होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये चैप्टर जो है ये जॉन डोनी के द्वारा लिखा गया है, और जॉन डोनी जो होता है ये अपने वाइफ, मतलब उसकी पत्नी, पत्नी का उसका नाम था जॉन डोनी का, पत्नी का नाम यहाँ लिखा हुआ है एनी मोरे। तो जॉन डोनी का जो पत्नी थी वो एनी मोरे, उसके लिए ये कविता लिखा है। अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ है, इन दिस पोयम डोनी इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी बट हिज वाइफ इज अफ्रेड टू व्हाट विल हैपन टू हिम इन द जर्नी एंड डज नॉट वांट हिम टू गो। मतलब जॉन डोनी जो था इस पोएम में, वो कहीं जर्नी पर जा रहा है, उसी का वो तैयारी कर रहा है जर्नी पर जाने का, लेकिन उसकी पत्नी जो थी एनी मोरे वो बहुत परेशान थी। और परेशान क्यों थी? क्योंकि उसे ये डर था कि जर्नी पे कुछ भी हो सकता है। तो वो जो यात्रा करने जा रहा था जर्नी पर, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसी कारण उसे डर था। ऐसे वो चाहती थी कि डोनी जर्नी पर नहीं जाए, मतलब यात्रा करने नहीं जाए। फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ है, जॉन डोनी कन्विंसेस हर डेट ही विल बी ऑल राइट। मतलब जॉन डोनी जो था वो समझाता है अपनी पत्नी को कि सब चीज़ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। इसके बाद है अगला पैराग्राफ, इन दिस लव लिरिक द पोएट इज़ काउंसलिंग हिज वाइफ टेलिंग हर डेट ही इज़ गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, ही वांट्स अ बेटर ह्यूमन। इसका मतलब ये हुआ, लव लिरिक का मतलब होता है प्रेम गीत। तो पोएट जो है वो अपने वाइफ से बात करता है कि वह उसे दूर नहीं जाना चाहता है, वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है, उसको जाना पड़ेगा क्योंकि वो दूर जाके वो एक अच्छा ह्यूमन बन सकता है, मतलब बनना चाहता है बेटर ह्यूमन, ही वांट्स अ बेटर ह्यूमन, मतलब वो अच्छा एक आदमी बनना चाहता है। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ में दिया गया है, सेंस ही हैज़ टू पार्ट विद हर ऑन डे सो ही वांट्स टू रिहर्स टू लाइफ सेपरेटली फ्रॉम होम टाइम। पहले हम समझते सेपरेटली मतलब दूर रहना,
दूर जाना, बस सेपरेट होना, मतलब अलग रहना। तो इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो एक दिन तो दोनों को एक दिन तो अलग होना ही है, वो एक दिन मरेंगे ही, इसलिए वो कहता है, मतलब जॉन डोनी, कि वो रिहर्स कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है कि अलग कैसे रहे, मतलब लाइफ सेपरेट, लाइफ मतलब रहना और सेपरेट मतलब अलग। तो वो कुछ समय के लिए वो अलग रहना चाहता है, प्रैक्टिस करता अलग रहने का कि अलग रहने पर कैसा लगता है। अगला पैराग्राफ है, ही सेज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेस इन द मॉर्निंग बट इट हैज़ नाइदर सेंस नो डिज़ायर। इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि जॉन डोनी कहता है कि सूरज शाम को अस्त होता है और सुबह फिर सूखता है, मतलब सूरज शाम को डूब जाता है और फिर सुबह को उगता है, लेकिन क्या होता है इसका, न तो कोई मतलब होता है और न इच्छा होता है, वो मतलब शाम को डूबता है और सुबह उगता उग जाता है, इसका कोई तो मतलब नहीं हुआ और न इसका इच्छा होता है सूरज का। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, बट ही हैज सेंस एंड डिजायर टू कम बैक टू हर। लेकिन वो कहता है कि वो जो जा रहा है जर्नी पर, तो उसके पास आने की, तो वो तो उसके पास वापस आने के लिए समझदारी और इच्छा है, वो मतलब वो वापस आ जाएगा। जॉन कौन आएगा वापस वहाँ पर, वो अपने घर अपना पत्नी के पास आएगा, जॉन डोनी। अगला पैराग्राफ है, ही सेज मैंस पावर इज वेरी वीक, ही टेल्स हर नॉट टू सेट टायर्स बिकॉज डेट विल मेक हिम सेड एंड वीक। इसका मतलब हुआ कि जॉन डोनी कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि जब मनुष्य रोता है, नहीं वो कहता है, वो मतलब अपनी पत्नी से कहता है कि आंसू ना बहाए, क्योंकि इससे वो दुखी और कमज़ोर हो जाएगा। मतलब जब उसकी पत्नी रो रही थी तो वो अपना पत्नी से कहता है कि आंसू ना बहाए, इससे मतलब वो जॉन डोनी बहुत दुखी और कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, ही सेज नॉट टू डू थिंग ऑफ एनी इल ड्यूरिंग हिज जर्नी अदरवाइज डेस्टिनी मे फुलफिल इट। इसका मतलब होता है जॉन डोनी सोचा, वो बोला अपनी पत्नी से कि मैं अपनी जर्नी के दौरान कोई भी बीमारी के बारे नहीं सोचना चाहता हूँ, सोचता हूँ जब वो कोई बीमारी के बारे सोचेगा इल, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा अपनी जर्नी में, वो अच्छे से जर्नी नहीं कर पाएगा। एट लास्ट, मतलब लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, एट लास्ट ही सेज द पीपुल हु आर इन ईच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड। इस लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है, जॉन डोनी कहते हैं कि जो एक दूसरे से प्यार करता है तो वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो आज का वीडियो पूरा, आज का ये समरी पूरा समाप्त हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नोट को। तो आप इस समरी को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।